हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो दुबई D10 डिवीज़न 1 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा, जो खेला जाएगा इंटर ग्लोब मरियन वर्सेस VTSC वोल्ट्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे मैच के बारे में। 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा रात में। सेम ग्राउंड पर मैच है, गुड विकेट है बैटिंग के लिए। एवरेज स्कोर 100 से 130 देखने को मिल जाएगा। 21 मैचेस हो चुके हैं, 12 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 9 मैच चेज हुआ है। पहले बात करेंगे VTV की टीम की। VTV की टीम ने यहाँ पर 6 मैचेस खेले हैं, 4 हारे हैं, 2 जीते हैं। उतनी स्ट्रॉन्ग इनकी टीम है नहीं, IGM की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो VTV की जो टीम है, इनकी तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया था सकलेन हैदर और मजहर हुसैन ने। सकलेन हैदर आपको ओपन के साथ साथ कम से भी कम एक ओवर डाल के देगा। और ब्रेक बॉलर है, स्पिनर है, तो विकेट मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। लास्ट के 6 मैचेस में इनके नाम 6 विकेट है, 5 ही मैच खेले हैं इसने, उसमें 6 विकेट हैं। बल्ले से 2, 19, 32, 40, 6 हैं, इंपॉर्टेंट है। मजहर हुसैन ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें करता है। लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट हैं, बल्ले से यहाँ पर 50, 7, 0, 32, 8 हैं। युवराज बरुआ सिर्फ आखिरी मैच खेला था, वहाँ पर 30 रन की इसकी पारी थी, अच्छी बैटिंग की थी। ओवरऑल करियर में 292 मैच में 7723 रन, 38 का एवरेज, 133 विकेट है। फैयद अबूशर पहले 2 मैच में बैटिंग आई नहीं, आखिरी में 4 हैं, उतना कोई खास रिकॉर्ड मेरे को लगा नहीं। यहाँ से वीरा पंदियन अरिवल्लंगन है, देखो 9 बैटिंग है, 0 विकेट है, फिर खेला नहीं, फिर 1 रन, फिर 9 बैटिंग, फिर 20, तो कोई खास रिकॉर्ड है नहीं और बैटिंग भी नीचे कर रहा है। यहाँ से आएंगे सेरिदन हेडफील्ड, 0, 5, 19, 9 बैटिंग, 1-1, कोई खास रिकॉर्ड इसका भी नहीं है। मुजमिल खान लेग स्पिन बॉलर है, ध्यान रखना, पहले ये 1-1 ओवर डाल रहा था इसलिए विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट के 2 मैच में इसने 2-2 ओवर डाले और 4 विकेट निकाले हैं, ध्यान रखना। वरुण नायर ये भी आपको 2 ओवर डाल के दे सकता है, हालांकि विकेट इसके नाम 3 है जो कि इसको एक ही मैच में यहाँ पर मिल गए थे। इसके बाद में आएंगे ऐसे अरमान सजनानी, इसके नाम आप देखोगे ज़्यादातर मैच में 1-1 ओवर है, पहले मैच में इसको 2 विकेट मिले, उसके बाद में लगातार विकेट लेस रहा है। सोहेल काजी हैं, बॉलिंग ये भी करवा रहा है लेकिन विकेट लेस हैं, करियर में 158 मैच में 118 विकेट है। और दर्शन प्रागनी है, ये भी लेग ब्रेक बॉलर है, लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट है, हालांकि लास्ट के 2 मैच में विकेट लेस रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ सकलेन हैदर, मजहर हुसैन को रख रहा हूँ, नीचे से मैं यहाँ पर मुजमिल खान को रख रहा हूँ। अब आपके पास चॉइस है कि आप वरुण नायर को रखो या फिर दर्शन प्रागनी, दोनों में से किसी एक को रख लेना। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे एस काजी और मजहर हुसैन, डेथ के ओवर डालेंगे डी परागनी, एम हुसैन और यहाँ से वी नायर। अब बात करेंगे IGM की टीम की। IGM की टीम 5 के 5 में जीती है, और आपने देखा होगा जो कल का इनका पहला मैच था वो अपना अल्ट्रा क्लीन स्वीप रहा था जीत के फेवर में, दूसरा जो मैच था अपना अल्ट्रा क्लीन स्वीप रहा था लॉस के फेवर में। क्यों रहा था लॉस के फेवर में, रीज़न भी आपको अब बताता हूँ मैं, कि भाई इनकी टीम ने किया था टोटल एक्सपेरिमेंट, लपक के बहुत भयंकर इनकी टीम ने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूँ क्या किया था। ये दोनों इनके ओपनर हैं, दोनों भाई ओपनर नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, पहले मैच में क्या हुआ था, विष्णु सुकुमार ने एक भी ओवर नहीं डाला था पहले मैच में। यहाँ से नीचे अगर मैं आपको एक दो प्लेयर और बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आसिफ खान है, इसने भी पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी कल। यहाँ से संदीप सिंह, जो कभी बॉलिंग नहीं करवाते ना, उनको भी इन्होंने बॉलिंग दे दी थी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए थे, और एक्सपेरिमेंट हो क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम भाई लगातार जीती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है, तो लगातार मैच जीत रहे हैं। तो भाई आज भी मेरे को लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिस्की तो रहेगा मैच, क्लियर बोल रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम ही करेंगे अपन। यासिर कलीम है, टीम का कप्तान है, विकेट कीपिंग करता है, अच्छा प्लेयर है, 54, 41, 41, 3 पारी तगड़ी खेल चुका है 5 में से, 7 और 1 भी है। संदीप सिंह ये भी अच्छा बैटर है, लेकिन देखने वाली बात ही रहती है बैटिंग कहाँ पे करेगा। अगर ये खेलता है नंबर 4 पे तो फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। 31 नोट आउट है, 19 नोट आउट है, 5 हैं, 2 हैं, 14 है, हिटर है वैसे ये। तो क्यों रियासत ये ज़्यादातर नंबर 5 पे खेलता है, 1 या 2 ओवर डालता है, बॉलिंग अभी उतनी अच्छी इसकी हो नहीं रही, विकेट 2 हैं, बल्ले से यहाँ पर 22, 21 हैं, बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन है। आसिफ खान इनकी टीम का सबसे तगड़ा हिटर और सबसे तगड़ा प्लेयर है भाई, हर मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, 26, 62, 25, 30, 30 और यहाँ पर तो बॉलिंग भी थी।
हमीद खान ये भी तगड़ा हिटर है, ये इससे भी तगड़ा हिटर है, मतलब ये प्लेयर अच्छा है, लगातार अच्छा करता है, लेकिन हिटिंग की बात आती है ना कि हर बॉल पे शॉट लगाना है, तो ये बंदा लगाता है, हर बॉल पे शॉट लगाएगा। 11, 38, 26, 14, 5 है। विष्णु सुकुमारन भाई बॉलिंग करवा रहा है लेकिन हर मैच में नहीं करवा रहा, दिक्कतें हो रही है। 4 विकेट है अब तक इसके नाम बल्ले से, यहाँ पर 1, 13, 10, 1 है, नंबर 5-6 पर खेलता है। हजरत लुकमन भाई कुछ खास रहा नहीं है अब तक सीज़न, यहाँ पर 5 मैच में आप देख लो सिर्फ 6 ओवर डाले जिसमें 2 विकेट है, तो उतना कोई खास रिकॉर्ड इसका है नहीं। तैमूर भट्टी देखो पहले मैच में 2 ओवर डाले विकेट लेस था, फिर यहाँ पर बॉलिंग मिली नहीं, फिर इसने यहाँ पर ना भाई इतनी खतरनाक बॉलिंग करवाई थी, हेलमेट पे भी बोले लगी थी इसकी, मैं लाइव देख रहा था कल इनके मैच, इसलिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो बहुत तगड़ी बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट लिए थे और रन भी इसने जहाँ तक मेरे को पता है 2 या 3 रन दिए होंगे अपने स्पेल में, इतनी तगड़ी बॉलिंग थी, वो भी T10 में, और ओवर भी डाला था 10वां, एक तो 10वां ओवर था एक बीच में आता है, तो भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन उसके अगले मैच में सिर्फ 1 ओवर मिला, तो ये चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं T10 में। हैरी बरवाल ये अच्छा स्पिनर है भाई, 5 विकेट निकाल चुका है, और इसी ने अपन को पहला मैच जिताया था जहाँ पर इसको किसी ने रखा नहीं था, अपन ने रखा था, 3 विकेट मिले थे। मोहम्मद जाहिद ये भी अच्छी बॉलिंग करवा चुका है लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं थी। अहमद शफीक 2 मैच खेला है, स्पिनर है, 3 विकेट है। अब की के लिए देखो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, यासिर कलीम है, तोक्यू रियासत ठीक ठाक है, आसिफ खान को बिल्कुल रखूंगा, हमीद खान को आप छोड़ना मत अगर ओपन करें तो, विष्णु सुकुमारन को रख सकते हो, कैच पकड़ता है और बॉलिंग भी करवा लेता है। तैमूर भट्टी है, हैरी बरवाल है और अहमद शफीक है, बाकी बेंच में जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे एच बरवाल, अहमद शफीक, डेथ के ओवर डालेंगे आसिफ खान, टी रियासत, एम तैमूर। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की तो आप देख लो, विकेट कीपिंग सेक्शन से यासिर कलीम को रखा है, बैटिंग सेक्शन से हमीद खान, विष्णु सुकुमारन, आसिफ खान और सकलेन हैदर को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मजर हुसैन और वरुण नायर को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से तैमूर भट्टी, मुजमिल खान, अहमद शफीक, हैरी बरवाल को रखा है, कैप्टन मेरे आसिफ खान है, वाइस कैप्टन सकलेन हैदर है, लेकिन फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।